यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जयपुर जंक्शन पर दिवाली के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर ट्रेनों का संचालन बंद हो जाएगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म के करीब 150 मीटर हिस्से पर यात्रियों की आवाजाही भी बंद की जाएगी। इसको देखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर आने वाली ट्रेनों को प्लेटफॉर्म 1 से 5 पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। त्योहारी सीजन में आखिर रेलवे की ओर से ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्लेटफॉर्म का संचालन बंद और ट्रेनों को शिफ्ट करने के पीछे की वजह ये है, आपको जानना बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर रीडेवलपमेंट का कार्य किया जाना है, जिसके चलते दोनों ही प्लेटफॉर्म को बंद किया जाएगा। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार्य किया जा रहा है। रेलवे द्वारा जयपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सीसी एप्रिन पर स्लीपर्स टूटने की वजह से इसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सीनियर DOM विजय सिंह मीणा ने इसके लिए इंजीनियरिंग विभाग को पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि कार्य बहुत धीरे हो रहा है, कार्य की रफ्तार बढ़ाई जाए जिससे कार्य समय पर पूरा हो सके, क्योंकि इसके पूरा होने के बाद ही प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू होगा। वही आपको बता दें, रेलवे द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 83 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा। 2908 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। जयपुर जंक्शन पर 707 और गांधीनगर स्टेशन पर 212 करोड़ रुपए खर्च कर आधुनिक बनाया जा रहा है। इस दौरान जयपुर जंक्शन पर हसनपुरा स्थित सेकंड एंट्री पर बेसमेंट का काम 90% तक पूरा हो गया है। नमस्कार।